एक ही आदमी जो अपने इलाके के अंदर लिया था उसके, वो है रणदीप सिंह सुरजेवाला। के आपका प्यार और स्नेह बहुत बहुत शुक्रिया, इसी प्रकार से बढ़ा रहे। मेरा रणदीप सिंह से कोई राजनीति की नाता नहीं है, मेरा तीन पीढ़ियों का पारिवारिक नाता है। 20 MLA, 25 MLA, 30 MLA आप रणदीप को बना के दे दो, राज में आपकी देवड़ी पर जाकर खड़ा करते। कलायत हलके के गांव बालू की धरती पर आज कांग्रेस नेता धर्मवीर कोलेखां बड़ी रैली करने में कामयाब रहे। रैली में भीड़ देखकर कांग्रेस नेता चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला अपने आप को रोक नहीं पाए। धर्मवीर कोलेखां से पारिवारिक रिश्ते होने की बात भी लोगों के सामने कही। रणदीप बोले, बांगर की 20-30 सीट दे दो, राज थारे उरे ल्या दूंगा। धर्मवीर कोलेखां ने उमड़ी भीड़ से आशीर्वाद मांगा तथा रणदीप सुरजेवाला का साथ देने की बात कही। आपको बता दें कि इससे पहले भी गांव कुराड़ में धर्मवीर कोलेखां बड़ी रैली कर अपनी ताकत दिखा चुके हैं। इस रैली ने भी कलायत हलके में राजनीतिक चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया है। आप भी सुनिए धर्मवीर कोलेखां ने मंच के माध्यम से क्या कहा और रणदीप सुरजेवाला ने कैसे निशाना साधा। इससे पहले 12 अगस्त को भी कुराड़ गांव में उधार ले रहे एक सफल रोजी रैली का जो आम लोगों ने आयोजन किया, और आज यहाँ गांव बालू में तो मैं तो ये आप लोगों का जो विश्वास और जो समर्थन है, आशा करता हूँ कि आगे भी ऐसे मिलता रहेगा। राज इलाके के अंदर पहुंच जा सकता है, सुकुर्दा नजर मार कर देख लो जो ये शख्सियत तुम्हारे बीच में बैठी है, पंचकुला से लेकर जींद तक जो ये पूरा इलाका है, इस इलाके में कोई भाई ये कहते हो भाई फलाना आदमी राज देश का धर्मवीर कोलेखां उसकी मां पकड़ने आते तैयार है। एक ही आदमी जो अपने इलाके के अंदर लिया देश के, वो है रणदीप सिंह सुरजेवाला। इसका पुनर पकड़ना पड़ेगा तोड़ते हैं। मेरा और मेरा परिवार हमेशा कांग्रेस पार्टी के साथ रहे, रणदीप सिंह सुरजेवाला के साथ परिवार के साथ खड़ा रहे। मेरा रणदीप सिंह से कोई राजनीति की नाता नहीं है, मेरा तीन पीढ़ियों का पारिवारिक नाता है रणदीप जी से, और जब तक जिएंगे चौधरी रणदीप सिंह के साथ ही राजनीति के साथ जिएंगे और किसी का नहीं। भाई धर्मवीर जी ये कह रहे थे कि मेरा और उनका रिश्ता राजनीतिक नहीं, ये सच बात है। भाई धर्मवीर का और मेरा रिश्ता तो भाई वाला है, परिवार वाला है, पीढ़ी दर पीढ़ी का और जिंदगी के आखिरी सांस तक रहेगा। ना इसे राजनीति तोड़ सकती, और अपने यहां कई बार कान की कानाफूसी होती है, ना उसे वो कोई तोड़ सकता। मेरी रगों में जो खून दौड़ता, ये छोटे भाई धर्मवीर की रगों में जो खून दौड़ता, ये आपका खून हमारे रोम रोम पर, सर के बाल से लेकर पांव के नाखून तक आपका अधिकार है, आपका हिस्सा है, आपके ऋणी है। वो ऋण कभी उतार नहीं सकते, इस जीवन के अंदर तो नहीं उतार सकते, अगला जीवन किसी ने देखा नहीं। जिस दिन इलाके अपना भला करने वाले, अपना काम करने वाले, अपने इलाके को आगे बढ़ाने वाले उनको समझ लेंगे, उस दिन इलाके आगे बढ़ो। आदमी मेरे बुजुर्गों काका ताऊ भाइयों माताओं बहनों, आदमी महत्वपूर्ण नहीं, मैं सहमत हूं मेरे भाई से धर्मवीर से। जो व्यक्ति भी कलायत कैथल पुंडरी दूलाची का बेवा कुरुक्षेत्र थानेसर जींद उचाणा जुलाना उतलाना बरवाड़ा नारनौत नरवाना इनको आगे बढ़ा सके, कम से कम उसकी मदद करने की आवश्यकता है। नहीं तो हम MLA तो कोई ना कोई, देखो जी दो पहलवान MLA के चुनाव में खड़े होंगे, 3-4 भी हो जाते हैं अपने तो कलायत में, कोई ना कोई तो बनेगा।
ये तो है नहीं सकता कि सीट खाली रह जाए। एक ने तो बनना, कोई एमपी का चुनाव लड़ेगा कोई ना कोई तो बनेगा। ये भी नहीं हो सकता कि सीट खाली रह जाए, पर हम एमएलए एमपी और कभी कभी वजीर कई कई बार बढ़ा चुके। मैं आज आपसे दूसरी बात आपसे करूंगा किसान मजदूर की और नौजवान की, पर एक सवाल आपके जहन में आज छोड़कर जाता हूं। आज शाम को परमात्मा का नाम लेके जब रोटी खा के आदमी एक घड़ी राम का नाम लेता ही सोने से पहले, तो एक घड़ी जब वो आए कि आप रोटी पानी खा के खाट पे लेट के सोने से पहले राम का नाम ले आदमी, उस समय और कुछ उसके मन में जंजाल नहीं होता, घर का बाहर का खेत का इसका उसका, तो उस समय एक सवाल खुद से पूछिएगा, इस इलाके को आगे कौन ले जा सकता है और अपने इलाके को हमेशा पिछलग्गू बनाना कौन चाहता है। बस आपको जवाब मिल जाएगा, आपको लगे हम सारे भाई, मैं धर्मवीर भाई और हम सारे जो इस मंच पर बैठे हैं वो इलाके की लड़ाई भी लड़ रहे हैं, तो फिर आपको मैं आपको केवल ये कहूंगा कि आपका आशीर्वाद और प्यार, आपका स्नेह और प्रेम वो लगातार बन जाए तो इतने में हमारा काम चल जाएगा। आप जब एक बार हाथ खड़ा करके अपना आशीर्वाद का हाथ हमारे सर पे रख देते हैं, जब आप एक बार हाथ खड़ा कर देते हैं तो उतने से हमको ये लगता है कि हमारी ताकत जो है कद 6 फुट की बजाय 60 फुट हो उसी दिन। एक बार हाथ खड़े करके ये बता दीजिए कि आपका प्यार और स्नेह बहुत बहुत शुक्रिया इसी प्रकार से बढ़ा रहे हैं। हमारे कलायत के इस हल्के के अंदर, कैथल और जीन के इस इलाके के अंदर, कुरुक्षेत्र यमुनानगर पेवा अंबाला पानीपत कालका पंचकुला के इस इलाके के अंदर, इसलिए सत्ता की ताकत नहीं आती कि कई बार हम जानते हुए भी अनगोर बन जाते हैं, क्योंकि हम सरल हैं, हम सादे हैं, हम सीधे हैं, हम भोले हैं। परंतु मेरे काका ताऊ भाइयों बहनों माताओं नौजवानों, मैं आपको केवल हाथ जोड़ के एक ही बात कहने आया, हमने ये फैसला कर लिया, मैंने धर्मवीर भाई ने और हम सब ने जो इस स्टेज के ऊपर बैठे जीवन की आखिरी सांस तक न्याय की इस लड़ाई को, जैसे राहुल गांधी जी पूरे देश के अंदर लड़ रहे हैं, न्याय की इस लड़ाई को हरियाणा में लड़ेंगे, इसको जीतेंगे। परंतु जीत तब होती है जब कांग्रेस पार्टी के विधायक बन के आएंगे। माफ करना, इससे पिछली बार, इस बार तो चलो 567 वोट से मैं हार गया, उससे पिछली बार मैं कल्लाई जीत गया पूरे जिले के अंदर, फिर मैं अकेला हूं, फिर आपको हमारा राज भी ले आके देने, कहां से ले आके दूं? देखो मैं खरे बांगरू बात कहने लगा हूं, सब गिने जाएंगे साहब आखिर में। ये 37 सीट है, इन 37 में जब कांग्रेस जीत जाती थी 1991 में जब पिताजी थे चौधरी वीरेंद्र सिंह जी के, हम जीत के 52 सीट आई तो मेजोरिटी यहां से आई हमारी सरकार बनी। 2005 में जब मैं सरपंच साहब कार्यकारी अध्यक्ष था, आपको तो याद है भाई साहब तो कल साथी थे, उस समय 67 सीट जब कांग्रेस की आई, ये सारी सीट उत्तरी हरियाणा के जीत गए, मेजोरिटी सीट आई हमारी सरकार बनी। जब उत्तरी हरियाणा में कांग्रेस हार जाती, कांग्रेस सत्ता से बाहर हो जाती, तो इसलिए सत्ता की कड़ी आप है। 20 एमएलए 25 एमएलए 30 एमएलए आप रणदीप को बना के दे दो, राज में आपकी ड्यूटी पर जाकर खड़ा कर।